तो आज हम चर्चा करते हैं आगे कि शिखा क्यों रखते हैं, जनरली प्रभु जी शिखा क्यों रखते हैं। तो ये शिखा जो शब्द है ये आया शिक्षा से। तो एक जो शिष्य है वो आध्यात्मिक शिक्षा को अपने सिर पर धारण कर रहा है, तो शिखा उसका रिप्रेजेंटेशन है। सो आई एम कीपिंग द स्पिरिचुअल नॉलेज विच इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑन माई हेड, दैट मीन्स आई वैल्यू द स्पिरिचुअल एजुकेशन एज अ सुप्रीम। कि आध्यात्मिक शिक्षा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसको अपने जीवन में अपना रहा हूँ या अपनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं शिखा रख रहा हूँ। तो ये स्पिरिचुअल रीज़न है, साथ में इसका बहुत सारे और साइंटिफिक रीजन्स भी हैं। बताया जाता है कि जो शिखा रखते हैं उनकी मेधा बढ़ जाती है, उनकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ जाती है। शिखा कितनी बड़ी होनी चाहिए, बताया जाता है जो गाय का खुर है ना, दैट इज़ अराउंड 1.5 इंच, तो उतनी बड़ी शिखा मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये मेधा को इंक्रीज करता है, हमारे फोकस को इंक्रीज करता है, हमारे अंदर सत्वगुण को बढ़ाता है। और शिखा क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली टाइड अप होनी चाहिए ना, जैसे बहुत बड़ी शिखा हो जाती है तो खुली शिखा नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली टाइड अप। तो ये एक प्रकार का भगवान के प्रति एक्सप्रेशन है कि मैं आध्यात्मिक शिक्षा को अपने जीवन में स्वीकार कर रहा हूँ। और साथ में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शिखा के साथ छोटे बाल भी होने चाहिए, पुरुषों के बाल के क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। अब देखिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं और जितने भी भक्त हैं सबके बाल छोटे छोटे होते हैं। कलयुग में बाल हमारी सुंदरता को एक्सप्रेस करते हैं और भक्तों का भाव क्या है कि मैं अपनी सुंदरता से किसी को आकृष्ट नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं कृष्ण की सुंदरता से आकृष्ट होना चाहता हूं, इसलिए भक्त अपने बालों का भी त्याग कर देते हैं। जाते हैं ना धाम में, जाते हैं तो क्या करते हैं लोग, मुंडन कराते हैं ना? तो भगवान को एक प्रकार का वो उपहार दे रहे हैं या ऑफरिंग दे रहे हैं ना? कि मैं और कुछ तो नहीं दे पा रहा हूँ, चलो मुंडन करा लेता हूँ। दैट मीन्स कि कृष्णा आई वॉन्ट टू बी अट्रैक्टेड फ्रॉम यू, यू आर द रिजर्वायर ऑफ ऑल अट्रैक्शन, आप सर्व आकर्षक है, आप कृष्ण है, मैं आपसे आकर्षित होना चाहता हूँ, मैं अपनी और किसी और को आकर्षित नहीं करना चाहता हूँ। तो ये भाव है, छोटे बाल रखने चाहिए। और स्पेशली जो जो दाढ़ी है, जो मूछ है, वो भक्तों को नहीं रखनी चाहिए। कई बार तो सोचते हैं अरे हम राजपूत हैं जी, ये तो हमारी शान है, मूछ हमारी शान है, मगर आपकी शान जो है वो आपके हृदय से आएगी ना। अगर आपका हृदय, आपके हृदय में कृष्ण विराजमान है, तो निश्चित रूप से वहाँ से इफल्जेंस निकलेगी, वहाँ से ओश निकलेगा, तो आपके चेहरे पर भी आएगा। तो शान लाने के लिए मूछों की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे ये जो चेहरों पे जो बाल हैं दैट इज़ लाइक ब्लैक स्टूल ना, तो मल के समान है, तो मल को साथ मत रखिए, मल को उसको सफाई कर लीजिए। तो इन दिस वे वी शुड हैव स्मॉल हेयर्स, स्पेशली मेल डिवोटी दे शुड हैव स्मॉल हेयर्स। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि हम एक दूसरे को एड्रेस कैसे करते हैं। तो जो मेल्स हैं उनको एड्रेस किया जाता है प्रभु जी, और जो फीमेल्स हैं उनको माता जी। ऐसा क्यों? प्राइमरीली टू इनकलकेट द मूड ऑफ रिस्पेक्ट अमंग ईच अदर। भगवान के भक्त वो साधारण नहीं हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी। बेशक हमारे जैसे दिखते होंगे, हमारे जैसे खाते होंगे, हमारे बीच में रहते होंगे, बट दे आर नॉट ऑर्डिनरी। तो इसलिए उनके प्रति एक आदर की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। और आदर कैसे प्रस्तुत होता है, हमारे जो हम जिस वचनों से उनको एड्रेस करते हैं। तो इसलिए हम प्रभु करके एड्रेस करते हैं उनको। प्रभु मतलब आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका दास हूँ, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। तो मैं कृष्ण का दास भी हूँ, और कृष्ण का दास होने के नाते मैं उनके भक्तों का दास हूँ, क्योंकि भगवान ने बोला है कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं। इस भाव में मैं भगवान के भक्तों का दास बनना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको प्रभु करके एड्रेस कर रहा हूँ। और साथ में जो लेडीज़ हैं उनको माताजी करके एड्रेस किया जाता है, क्योंकि चाणक्य पंडित ने बोला है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, कि कोई भी स्त्री है ना जो आपकी पत्नी नहीं है उसको कैसे एड्रेस करना है, उसको माता के समान एड्रेस करना, माता के समान उसको देखना है, माता के समान उसको मानना है। अब वो भाव तो आता नहीं है ना, क्योंकि कोई हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है और ऊपर से हमारी इंद्रियां ऐसी उत्तेजित रहती हैं, तो किसी स्त्री को देख के माता का भाव जागृत नहीं होता, मगर कम से कम जब माता आगे लगा देते हैं तो भाव आने लग जाते हैं। कभी युवा लोग आते हैं ना, तो दूसरे जेंडर से आकर्षण तो होता है मगर बोल नहीं पाएंगे, देखो कितनी सुंदर माता जी हैं,
ये क्या बात हुई, सुंदर भी और माता जी भी हैं, है ना। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, है ना। तो वो भाव उसको लाना ही पड़ेगा अगर वो माता जी करके बुला रहे हैं। कई बार लोग अवॉइड करते हैं, बाकी सब लोग उनको तो माता जी बोल देंगे, मगर जिससे थोड़ा बात करनी है ना तो वहाँ माता जी हटा देंगे उसको। ऐसा नहीं है, वो शुड कॉल एवरी वन एज माता जी, ताकि उनको हम माता जी के भाव से देख पाएँ ना, वो भाव अपने हृदय में ला पाएँ। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक मन उत्तेजित होगा तो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। ये जो इंद्रियां हैं बहुत कष्ट देती हैं और हमें फोकस नहीं करने देती। बताते हैं, गीता बताती है, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियानि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मना। कि बड़े बड़े लोग जो बड़े बुद्धिजीवी हैं वो भी अपने भेद करने की प्रवृत्ति भूल जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, किसके कारण, इंद्रियों के कारण। इंद्रियों के दास बन जाते हैं, गोदास बन जाते हैं। मगर भक्ति में बताते हैं कि गोदास नहीं बनना है, गोस्वामी बनना है, अपने इंद्रियों को अपने वश में लाना है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम कैसे एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं। तो जो हमारा बाहर का आवरण होगा वो हमारे इनर जो डिजायर्स को रेगुलेट करेगा। इसलिए ठीक है अभी भाव नहीं है, मगर हम बोल बोल के वो भाव को लाना चाहते हैं, ताकि हम कभी साइड ट्रैक ना हो जाए, अपनी इंद्रियों के वशीभूत ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, चाहे किसी भी एज की भी लेडी है उसको हम माता जी एड्रेस करते हैं। छोटे बच्चों को अवॉइड कर सकते हैं, उनको नाम से बुला सकते हैं, मगर वंस वन बिकम्स अ टीनेजर तो उनको माता जी करके एड्रेस करना चाहिए। मगर घर में मत करिएगा ना, तो फिर सैंडल बजेंगे ना, बेलन निकलेंगे बाहर, तो वो धर्मपत्नी है आपकी। मगर उनको छोड़ के बाकी सबको माता जी बोलना। कई बार होता है प्रभु जी भी एड्रेस करते हैं, बोले माता जी, हम पूछते हैं उनकी आप ये माता जी का नाम क्या है, बोले ये माता जी का नाम है करुणा माता जी। तो अब असली करुणा निकलेगी उनसे अब अंदर ना। तो हमारी माता जी है मगर आपकी तो पत्नी है। और दूसरा होता है कई बार बहन जी कल्चर चल जाता है हमारे बीच में, तो वो भी कोई अप्रोप्रिएट नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला है कि देर इज नथिंग कॉल्ड ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप। हाँ, एक जो ब्लड रिलेशनशिप है वो चल रहा है, मगर भक्तों के बीच में कई बार हम ना, ये मेरे भाई हैं जी, ये मेरे बहन है जी, मेरे मुंह बोला भाई है, मुंह बोला बहन है, ऐसा नहीं चलता है। जो चलना है वो क्या चलेगा, माता जी प्रभु जी। सो दैट कल्चर वो शुड मेंटेन। बट एट द सेम टाइम ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं ये हमारी पर्सनल कंजम्पशन के लिए है। अगर हम किसी भक्त को देख रहे हैं और कोई बोल रहा है कि हाँ ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, तो उसमें हमें कुछ आपत्ति नहीं जतानी है। मुझे ध्यान करना है कि मेरे को कैसे करना है, मेरे को ऐसा व्यवहार नहीं करना है, मुझे प्रभु जी माता जी करके बुलाना है। मगर हो सकता है किसी का अपना कोई रिलेशन है ना, उसका हृदय का उन्माद है, तो उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, है ना। कभी आपने कभी देखे कोई पुजारी है ना, आती हैं कोई माताएँ, उनको राखी बांध देती हैं, है ना, कि ये मेरे भाई हैं ना, तो हृदय का भाव है ऐसा। तो वी आर नोवेयर टू क्वेश्चन देम, बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि मुझे क्या अपनाना है ना, जो प्रभुपाद जी ने मुझे बताया है मुझे उन स्टैंडर्ड्स पे आगे बढ़ना है। तो अगेन इट इज़ नथिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, इट इज़ अबाउट व्हाट इज़ एप्रोप्रिएट, है ना। तो भाई बहन का रिश्ता तो बाहर भी होता है, तो कुछ लोग बोल सकते हैं यहाँ क्या गलत है, तो गलत की बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं व्हाट इज़ एप्रोप्रिएट। क्योंकि भाई बहन के रिश्ते में भी एक कहीं ना कहीं ना एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आगे चल के थोड़ा सा और क्लोजनेस बढ़ सकती है उसे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे